ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उमरी मस्जिद सहित 30 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाया गया। इसके अलावा 46 लाउडस्पीकरों की ध्वनि तीव्रता कम करते हुए उन्हें इसी तरह से व्यवस्थित कराया गया। ध्वनि तीव्रता प्रतिष्ठान से बाहर न जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संयुक्त अभियान चलाकर जनपद के विभिन्न स्थानों के 30 प्रतिष्ठानों से मिला कल कुल 39 लाउडस्पीकर हटाए गए। इस दौरान उन्होंने 46 लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता को कम करते हुए उन्हें इस तरह से व्यवस्थित कराया कि जिससे लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता प्रतिष्ठान से बाहर ना जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया यह अभियान अन्य दिनों में अन्य स्थानों पर भी लगाकर चलाया जाएगा। 180 स्थलों को चेतावनी दी गई है, अपने लाउडस्पीकर की ध्वनि नियंत्रित रखें। देखिए, शासन के निर्देशानुसार और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए और यह पुलिस द्वारा कुछ मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थल जैसे गुरुद्वारा हैं वहाँ से कुछ लाउड स्पीकर्स को हटवाए गए हैं जिनकी संख्या बहुत आयात थी और जिनकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी। ऐसे लगभग 170 की संख्या में हमने जो लाउड स्पीकर हैं जो अतिरिक्त संख्या में थे वहाँ पर उनको हटा दिया गया है और वो स्वेच्छा से लोगों ने हटाया है सभी धर्मगुरुओं से संवाद करने के बाद। और साथ में ऐसे कुछ लाउड स्पीकर हैं जिनकी ध्वनि जो परिसर से बाहर जा रही थी जैसा मानक तय किया गया है तो उनको भी चेतावनी दी गई है। और ऐसे लगभग 180 की संख्या में ऐसे लाउड स्पीकर्स हैं और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हैं जिनको चेतावनी दी गई है कि अपने लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है उसको नियंत्रित मात्रा में करके रखें। आगे भी इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और शासन का जो मंशा है उसका पालन कराया जाएगा और ऐसे कोई भी लाउड स्पीकर और जो इलीगल तरीके से वहाँ पर रखे गए हैं जिसकी ध्वनि परिसर से बाहर जा रही जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही उनको कम कराया जाएगा, उनको हटाया जाएगा।